बच्चे बहुत चालाक होते हैं और मतलब टीचर्स उन्हीं से सीखते हैं, चालाकियां सारी उनकी। तो क्वेश्चन में कई बार टीचर चेंजेस करते हैं किसी बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी टीचर्स का, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर या कॉस को साइन में चेंज कर दो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो ध्यान देना। ठीक है, देखो अगर कभी कॉस स्क्वायर थीटा हो तो आप उसे पुट करो 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2, और यही चीज अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो आप पुट करो 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 पुट करना है। ठीक है, अब दो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं। देखो आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 + cos 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 की जगह पर 1 + cos 2 * x + π/3 के अपॉन में 2, और कॉस स्क्वायर x - π/3 की जगह पर 1 + cos 2 x - π/3 अपॉन में 2। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर कॉस स्क्वायर x + π/3 की जगह पर और कॉस स्क्वायर x - π/3 की जगह पर, तो इन तीनों की जगह पर आपको पुट करना है। ठीक है, पुट करके देखिए, देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं। देखिए एलएसएस बन गई 1 + cos 2x अपॉन 2, 1 + cos 2x प्लस 2π/3 अपॉन 2, 1 + cos 2x - 2π/3 अपॉन 2, 1/2 कॉमन, 1 + cos 2x, 1 + cos 2x + 2π/3 प्लस 1 + cos 2x + 2π/3। ठीक है, अब देखो 1/2 1 + 1 + 1 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x + 2π/3 कॉस, ये माइनस था, यहां माइनस कर लीजिएगा, कॉस 2x - 2π/3। देखो ये चीज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, पता क्या होता है? देखो ठीक, 2 cos A cos B। ठीक है ना, अब देखो आप इसे लिखोगे 1/2 3 + cos 2x प्लस में 2 cos A मतलब 2x cos B मतलब 2π/3। अब देखो 1/2 3 + cos 2x, देखो प्लस में 2 cos 2x cos 2π/3, पाई बाय थ्री का मतलब है 60 डिग्री, 2π/3 का मतलब है 2 × 60 डिग्री मतलब cos 120 डिग्री, और cos की वैल्यू 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 1/2 होती है,
तो cos 2 पाई बाय 3 की जगह आप पुट कर दो माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 1 अपॉन 2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, तो आंसर आएगा निकल कर 3 अपॉन में 2 RHS, ठीक है। रुक गई,